दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 3 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर इंटरेस्ट रेट सेम होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होता है। आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, 2 साल की, या फिर 3 साल की, या फिर 5 साल की। तो 1 साल के एफडी करवाने पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है, 2 साल और 3 साल पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं 5 साल के एफडी पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है। और पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं, बैंक से भी ज़्यादा पैसा आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर सेफ रहता है। और बात करें SBI की, तो SBI के कंपेरिजन में पोस्ट ऑफिस के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर कम मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, बैंक के कंपेरिजन में आपको SBI से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आइए बात करते हैं, 3 लाख रुपए अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल के लिए जमा करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.9% के इंटरेस्ट रेट से, यानी कि 1 साल के बाद में आपको पैसा जो है वो मिलेगा 3,00,021,242 रुपये। आपने जो जमा कराया 3 लाख, तो वो आपको वापस मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको 21,242 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं, अगर आप उस पैसे को 2 साल के लिए जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7% का, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 21,558 रुपये। अब देखिए, पहले साल का इंटरेस्ट आपको पहले साल कंप्लीट होने के बाद में मिल जाएगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट दूसरा साल कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में जो आपने 3 लाख रुपए जमा करवाया था, क्योंकि एफडी पूरी हो गई 2 साल की थी, तो 2 साल के बाद में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाता है। वहीं बात करते हैं, अगर आप 3 साल के लिए पैसा जमा करवाते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेम है 2 साल वाला ही, यानी कि 7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो पैसा हो जाएगा 21,558 रुपये। 1 साल के बाद में मिलेगा, दूसरे साल के बाद में इतना ही मिलेगा, और तीसरे साल के बाद में आपने जो 3 लाख रुपए जमा कराया वो प्लस करके इतना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5 साल के लिए अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 7.5% का, 7.5% का। तो देखिए, 7.5 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनता है हर साल का 23,141 रुपये, 23,141 रुपीज़। तो हर साल के बाद में आपको इतना पैसा मिलता जाएगा, 4 सालों तक मिलेगा, और 5वें साल के बाद में आपको कितना मिलेगा जो आपने स्टार्टिंग में जमा कराया प्लस इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ लीजिए, जो अमाउंट आता है वो आता है 3,23,141 रुपये। ऐसे करके आपको सारा पैसा मिल जाएगा वापस एंड तक, आपकी एफडी कंप्लीट होएगी और हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, तो आप चेक कर सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिला। जो आपको हर साल के बाद में इंटरेस्ट मिल रहा है आप उस पैसे को यूज़ में कर सकते हैं, वो आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है, आप उसको निकालना चाहें कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहें वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा अगर आप 3 लाख रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इसी टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको वीडियो दिख जाएंगे, उनको आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको और वीडियोज़ भी देखने हैं। तो इसी टाइप के बड़े वीडियोज़, हर स्कीम को एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, काफ़ी डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट्स में बात कर रहे हैं।